देखो यार, ये धार चूल्हा वाला ग्राउंड, इसी ग्राउंड पर दौड़ हो रहा है। अभी देखने में नहीं लग रहा है 400 का है, लेकिन बोल रहे हैं सब 400 मीटर का है। और इधर जो भाई का मतलब दौड़ हो गया है ना, तो उधर देखो मेडिकल हो रहा है, छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे सब। देखो वहाँ पर मेडिकल हो रहा है। तो जय हिंद एवरीवन। देखो यार, ये ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन अभी ऐसा हम लोगों का हालात हो गया है ना कि इसी टाइम से ब्लॉग चालू करना पड़ा है। जैसे देखो, हम लोग अभी सोच रहे थे कि जैसे ही ट्रेन हम लोग को यहाँ पर छोड़ा है, तो हम लोग सोच रहे थे यहाँ से जहाँ पर दौड़ होने वाला है वहाँ आसानी से चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों का हालत ख़राब हो चुका है भाई। देखो आगे भी कुछ भाई जा रहे हैं सब, और हम लोग भी इधर, पता है कम से कम यार 10-12 टैक्सी वालों से हम लोग पूछे हैं, तो कोई 1200 रुपया ले रहा है, कोई 1000 रुपया ले रहा है। तो अब एक ओर से 1200 रुपया दे देंगे तो उधर से कैसे आएंगे। अब कोई 2000 लेकर आया है, कोई 2500 लेकर आया है, इसलिए भाई अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखो हम लोगों को गाड़ी मिल ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग जा नहीं पाएंगे, परेशान हो चुके हैं यार। सभी लोगों का चेहरा देखो, बेचारे लोगों का होश उड़ गया है यार। लाइन से गाड़ी खड़ी हुई है सब, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला हम लोग को नहीं ले जा रहा है, ऊपर से पूरा का पूरा मजाक उड़ा रहे हैं सब। देखो एक गाड़ी उधर भी है, और ये भाई देखो सभी लोग परेशान है, गाड़ी खोज रहे हैं। अब क्या करेंगे यार, आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा। आप लोग यहाँ पर भर्ती देखने आओगे ना, 25 तारीख से 29 तारीख तक ये भर्ती चलेगी, लेकिन यहाँ तक आ जाओगे और यहाँ ये सब गाड़ी वाले कोई ले जाएगा नहीं, कोई 1000 रुपया, कोई 1200 रुपया मांगेगा, कोई पहुँच नहीं पाएगा। नहीं, हम लोग सोचे थे कि सुबह तक ग्राउंड में पहुँच जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि अब नहीं पहुँच पाएंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं सोने, वही परेशान हो चुके हैं यार। कम से कम 2-3 किलोमीटर तक हम लोग सिर्फ गाड़ी खोज रहे थे, सब लोग 1200-1300 ऐसे मांग रहे हैं, तो हम लोग एक तरफ से 1200-1300 कहाँ से देंगे भाई। इसलिए देखो सभी लोग मतलब जा रहे हैं, फिर सो रहे हैं। इधर भी है तो भाई, इधर भी है भाई, जितने लोग भी यहाँ पर भर्ती देखने आए हैं ना, तो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। आप लोग देखो उधर भी कुछ भाई हैं और इधर भी कुछ भाई हैं, यहाँ से मतलब बस ही नहीं मिल रहा है, इसलिए सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अभी देखते हैं, उधर बात हुआ है, बात हुआ है, उधर उधर बात हुआ है, देखो पता नहीं भर्ती देख पाएंगे या नहीं। अभी बुला रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या हुआ। चलो ठीक है, बस भी पता कर लेते हैं, अभी चलते हैं बस पता करने के लिए। हम लोग सोचे थे भर्ती देखने चले जाएंगे, लेकिन इधर तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। देखो आप सभी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगा, इतना आप लोग बैठा लेना। जो भाई इधर भर्ती देखने आएगा, यहाँ तक तो आराम से आएगा, लेकिन यहाँ से जाने के लिए अगर पैसा रहे तो आराम से चला जाएगा, पैसा नहीं रहेगा तो इसी तरह इधर उधर भटकेगा भाई। हम लोगों को कभी इधर भेज रहे हैं सब, कभी उधर भेज रहे हैं सब, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अभी चलते हैं किसी बस वाले से बात करते हैं, देखते हैं। अभी 500 बोले हैं, 500 अगर पूरा बस भर जाएगा तो 500 बोले हैं, आप बात कर लो। अभी अरे यार काहे वैसे बैठे हो, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, अंदर आ जाओ यार। अभी देखो 12 बजे हम लोग बस पकड़े थे, लेकिन अभी भी बस में आए, और अभी कोई पता ठिकाना नहीं है कि कितना घंटा लगेगा वहाँ पर जाने में जहाँ भर्ती हो रही है। और ये भर्ती 25 तारीख से 29 तारीख तक होगी, तो किसी भी भाई को आना होगा ना, तो ये सब आप लोग सबसे पहले देख लेना। यार इधर देखो यार, ऑक्सीजन की कमी मिल रही है क्या तुमको? उसका देखो हालत खराब हो चुका है भाई, बार बार अपना मुंडी बाहर कर रहा है, इतना भयंकर भयंकर सीन देखने को मिल रहा है। और हम लोग अभी बस में चल रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग सोचो कितना भयंकर रोड है ये, पूरा का पूरा रास्ता ऐसे ही देखने को मिल रहा है, पूरा जैसे रोड है ना, पता नहीं किस तरह ये लोग गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन बहुत भयंकर सीन है। देखो घर भी इधर बना हुआ है, तो बहुत भयंकर भयंकर घर बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ है। देखो अभी एक घर होगा वहाँ पर, घर होगा नीचे उसको, कहाँ हाँ देखो वहाँ बादल है ऊपर। देखो यहाँ जो गाड़ी चला रहे हैं लोग ना, बहुत खतरा है भाई, यहाँ का पुल देखो कितना भयंकर पुल है। अभी इस रास्ते से कौन जाएगा यार, नीचे नदी ऊपर पहाड़ और बीच में बस एक छोटा सा पुल, देखते हैं किस रास्ते से ये ले जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, हम लोग कब कहाँ चले जा रहे हैं। Yeah.
देखो वो रहा बादल और ये रहा रोड। देखो आगे जो दिख रहा है ना, ये ऐसे ही यहाँ का पूरा रोड ऐसे ही है, जैसे लग ही नहीं रहा कि ये रोड है भाई। देखो भाई कोई भी भाई यहाँ भर्ती देखने आएगा ना, तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है। अभी हम लोग 12 बजे से बस में बैठे थे और अभी भी बस वहाँ पर नहीं पहुँची है। देखो अभी बस रुकी है, हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट ले रहे हैं और रास्ता यही रहेगा। अभी देखते हैं कितना घंटा लगता है। बाकी यार रेलवे स्टेशन तक तो सभी लोग चले आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से जहाँ भर्ती हो रही है धारचूला में, वहाँ जाने में बहुत दिक्कत हो रही है भाई। बहुत सारे लोग तो उल्टी भी कर रहे हैं। और देखते हैं जो कुछ भी होगा, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब पता नहीं वहाँ किस तरह दौड़ा रहे हैं सब, कितने लड़के पकड़ रहे हैं सब। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो हाँ, जिस भाई के पास पैसा होगा वो आएगा, ठीक है ना? नहीं तो जिसके पास पैसा नहीं होगा फिर फंस जाएगा। किराया बहुत है भाई। हाँ किराया बहुत है, तो बस किराए का एक मैटर है, ठीक है ना? बाकी सब कुछ सही है। देखो उधर हम लोग का बस रुकी है और इधर सभी भाई रेस्ट ले रहे हैं सब। अब पता नहीं वहाँ पर कितने लोग पहुँचे हैं और कितना टाइमिंग मिल रहा है, ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन भाड़ा बहुत ज़्यादा किराया लग रहा है भाई। रेलवे स्टेशन से हम लोगों को 750 रुपया ले लिया है। फिर भी देखते हैं अभी वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। और यहाँ का रास्ता देखो, पूरा का पूरा पहाड़ है और ये रहा रास्ता। रास्ता सही है, लेकिन बस पैसा रहेगा तो सही रहेगा। देखो अभी तो ये सभी भाई एक बस में आए थे, अब पता नहीं वहाँ पर कितने लोग पहुँचे हैं, ये किसी को भी नहीं पता है। जब आप रेलवे स्टेशन पर आओगे ना, तो वहाँ से बहुत सारा पैसा मांगेंगे सब। जहाँ दौड़ हो रहा है धारचूला में, वहाँ जाने के लिए 1000-1200 ऐसे मांगेंगे सब। लेकिन हम सभी लोग या जितने लोग भी हैं, सब लोग मिलकर इस बस वाले को 750 रुपया दिया है। और देखते हैं कितना टाइम में अभी पहुंचाता है। फिलहाल अभी हम लोग ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं भाई। देखो अभी हम लोग के सामने ये रहा ग्राउंड। यहाँ आने में तो बहुत मेहनत लगेगा भाई, लेकिन जो लोग मेहनत करके आ जाएंगे और इसमें सिलेक्शन लेना चाहेंगे ना, तो उन लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर टोटल 600 वैकेंसी है और लड़के उतना नहीं आ रहे हैं सब। अभी तो 29 तारीख तक चलेगा, लेकिन आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अब आप लोग देख लेना, बहुत सारे लोग जैसे जिन लोगों के पास खाता नहीं है पंजाब नेशनल बैंक का, तो वो लोग मतलब छट जा रहे हैं। और ये तो पता चल गया कि हाँ यहाँ भर्ती है, ओपन रैली भर्ती है, हाइट नहीं नापा जा रहा है और इसमें वर्दी नहीं मिलेगी। और ये 6 महीने के लिए है, ठीक है ना? देखो ऐसा बताया जा रहा है, सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का यही था ना कि भाई जैसे अगर इसमें हम भर्ती हो जाएंगे तो हमारे यारों की भर्ती आएगी तो यहाँ से छुट्टी मिलेगी या नहीं। वैसे यहाँ का जैसे ये रूल है ना, हफ्ते में एक दिन का छुट्टी मिलेगा। लेकिन अगर आपके यारों की भर्ती आ जाएगी तो हमें नहीं लगता कि आपको छुट्टी मिलेगा। क्योंकि कुछ भाई जो सुबह में दौड़े थे सब, वो बोल रहे थे सब ना कि जैसे अगर आपको ओरिजिनल पूरा डॉक्यूमेंट जमा करा लेंगे सब, और जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा तो फिर आपको 6 महीने घर नहीं जाने दिया जाएगा। तो यही एक प्रॉब्लम है। और देखो कितने कितने का बैच बन रहा है ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे ये देखने से नहीं लग रहा है कि 400 मीटर का होगा, लेकिन कुछ भाई बोल रहे हैं सब कि 400 मीटर का है। तो जो लोग सुबह में दौड़े हैं वो लोग बोल रहे हैं कि जैसे 20 से 25 लोगों का बैच बन रहा है। अब 25 लोगों का बन रहा है ना, तो टाइमिंग पूरा मिल रहा है, 6 मिनट का टाइमिंग मिला है, 6:05 हो जा रहा है, लेकिन 6 मिनट से कम नहीं मिला है। जो भाई दौड़े हैं सब वो लोग खुद बताए हैं। और ऊपर बहुत सारे लोग आए हुए हैं अभी तो, ये भाई मतलब जैसे हम लोग ग्राउंड देखने जा रहे थे तो साथ में आए सब। तो अब आप लोगों के ऊपर है, जितना भी इसमें प्रोसेस था मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया हूँ। देखो वहाँ पर मेडिकल हो रहा है, सभी फौजी भाई इधर उधर घूम रहे हैं और जितने लोग दौड़ पास ही हैं सभी लोगों को बैठाया गया है। जिन लोगों के पास पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नहीं है ना, उसको भी खदेड़ दिया जा रहा है। देखो यार एक बात और है, जितने लोग भी यहाँ दौड़ रहे हैं ना, मेडिकल फिट हो जा रहे हैं, तो उसमें से कुछ भाई बोल रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, वो लोग वापस अपने गांव चले जा रहे हैं। इसलिए गांव जा रहे हैं क्योंकि बोल रहे हैं ना कि 6 महीने के अंदर जैसे छुट्टी नहीं मिलेगा तो हम अपने यारों का भर्ती नहीं देख पाएंगे। तो यही सब कारण है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दिया हूँ और बता भी दिया हूँ। तो जिन भाइयों को आना होगा आ जाना, बाकी इसमें हाइट नहीं नापा जा रहा है, यूनिफार्म भी नहीं मिलेगा और 6 महीने का ड्यूटी है बस। इसका यही सारा प्रोसेस है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना? चलो ठीक है, अगर आप आओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा, आपका 3 से 4 हज़ार रुपया खर्च होगा, तो अपने हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है ना? अभी हम लोग भी चल रहे हैं, हम लोग का कल दौड़ होगा तो आगे की जानकारी कल ही मिलेगी। जो कुछ भी होगा मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है ना? चलो ठीक है, जय हिंद।